तो आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या है? इट इज यूज टू मैनिपुलेट लेट डॉम एंड एंड और डिफाइन प्रोसेस, ये काम करता है। कौन से डायरेक्टिव है अगर आपको पूछा, सो व्हाट आर डायरेक्टिव एंड हाउ मेनी डायरेक्टिव्स आर देयर, तो पहला टाइप जो है डायरेक्टिव का है वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट टाइप्स की डायरेक्टिव है। दूसरी जो टाइप है वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन कौन सा होता है? एट्रिब्यूट डायरेक्टिव। क्या आप सब लोगों को पता है? नहीं पता है तो लिख लो। कंपोनेंट डायरेक्टिव जो है इट डिफाइन द प्रोसेस, मतलब कि ये जो है प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। डिफाइंस प्रोसेस कौन है जो बाहर से अलका, ठीक है, डिफाइन प्रोसेस। अभी कंपोनेंट डायरेक्टिव डिफाइन प्रोसेस का मतलब क्या है? तो ये वाली जो डायरेक्टिव्स है मैं आप लोगों को वीएस कोड ओपन करके शो कर देता हूं, तो आपको वो दिखाई देने लगेगा, तो आपको पता चलेगा कि वो जो डायरेक्टिव है कौन सी डायरेक्टिव है। वो कोई भी कंपोनेंट के अंदर आप जाते हो जब, तो वहां पे आपको ये एट कंपोनेंट नाम की डायरेक्टिव दिखाई देती है। ये भी एक डायरेक्टिव है जो डिफाइन करती है प्रोसेस। यानी क्या कि ये आपका सिलेक्टर है, जहां पे आप सिलेक्टर यूज करोगे वो कंपोनेंट दिखाई देगा। इसका टेम्पलेट यूआरएल क्या है, यानी एचटीएमएल की फाइल कहाँ पे है ये डिक्लेयर करता है, और इसका सीएसएस यानी स्टाइल यूआरएल कहाँ पे है ये करता है। तो इसे कहा जाता है कंपोनेंट डायरेक्टिव, जो कि ये है। आपके एक कंपोनेंट होना जरूरी है आपके प्रोजेक्ट में, और ये है आपका बेसिक वाला। ये ऐप कंपोनेंट .ts हो सकता है, जो भी है आपका ऐप कंपोनेंट भी हो सकता है। और ये जो है ये आपका पहला डायरेक्टिव है जिसे कंपोनेंट डायरेक्टिव कहा जाता है। ये डिफाइन करता है प्रोसेस, दैट्स इट। तो ये जो है ये मैं कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स में संभल के ध्यान में आने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपका है कंपोनेंट डायरेक्टिव। उसके बाद स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है। इट कैन बी एड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम डॉम, यानी जो पेज है आपका एचटीएमएल का उसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो कभी भी रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रक्चर, ऐड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ऐसी चीजें। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है? इनमें आता है, और ये जो डायरेक्टिव स्टार्ट होती है ये एस्ट्रिक यानी स्टार से स्टार्ट होती है, जैसे कि एनजी इफ, उसके बाद है एस्ट्रिक एनजी फॉर, इसके बाद है एनजी स्विच, एनजी स्विच, ये है। इसके अलावा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है जो कि एट्रीब्यूट को बाइंड किया जाता है। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, सॉरी माय बैड। अब दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो तीसरा जो है ये है आपका तीसरा एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ये हमें करना है, ठीक है। तो एक बार इसमें लिख देता हूँ, एनजी स्टाइल पहला है, दूसरा है एनजी क्लास, ऐसे। तो ये भी है इसके अंदर, मैं लिख देता हूँ ऐसे वन, और दूसरा जो है ये वाला है। तो दोस्तों मुझे 2 मिनट दे देना, एक दोस्त का हेल्प करना है मुझे, 2 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, एनजी स्विच करें अभी? यस सर। तो वीएस कोड के अंदर आते हैं, और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था कल या लास्ट सेशन में, और कहा था मैंने कि ध्यान रखो आप लोग, है ना, बोला था ना मैंने कि ध्यान रखो कि क्या नाम का बना रहे हैं। डायरेक्टिव रिपीट, सही कहा। क्या आप लोगों ने सब लोगों ने प्रैक्टिस की है? अलग अलग तरह की एपीआई का डेटा थोड़ा सा
इस्तेमाल करना ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस की ही होगी, 2 दिन मिले थे। अभी करते हैं एनजी जीसी, और अभी कौन सी कर रहे हैं हम लोग, स्विच स्विच कर रहे हैं ना, एनजी स्विच कर रहे हैं ना, स्विच यस सर, स्विच स्पेलिंग गलत करते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो हमने ये भी बना दिया। अभी इसे हम लोग को क्या करना है, आएंगे यहाँ पे, चलो HTML में आना है, ये डायरेक्टिव है तो HTML पे ही ज्यादा ज़्यादा के ध्यान देंगे। ये स्विच केस है, यानी आपको पहले जो है ये एक डिव लेना पड़ेगा, देखो इस तरह से, ये बाहर वाला डिव है, इसके अंदर इसे यहाँ पे आपको लगाना है, आप जो भी लगाओगे ऐसे हैश ng और स्विच ऐसे, और इसके अंदर आपको जो भी कंडीशन डालनी है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ चॉइस, ठीक है, अभी चॉइस नाम का कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये वेरिएबल जो है चॉइस नाम का मैं ले लेता हूँ कहाँ पे, ये ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी वैल्यू रख देता हूँ नंबर, लेट्स सी नंबर, और शुरुआत में लिखता हूँ 1, ठीक है। ये देखिए अभी इसके अंदर मैं बहुत सारी केसेस, यानी कि अगर 1 आएगा तो मुझे लिखना है, अगर डे 1 है मैं चॉइस के बदले में डे लिख देता हूँ, डे, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ डे। तो मुझे क्या करना है कि अगर 1 आया, डे 1 है तो क्या दिखाना चाहिए मुझे, बताइए, फर्स्ट डे क्या होता है वीक में, फर्स्ट डे क्या कौन सा होता है, मंडे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मंडे, और यहाँ पे केस लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एनजी स्विच, और क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, स्विच केस, ठीक है, और अगर 1 रहा, अगर 1 रहा तो वो मंडे दिखाएगा। इसके अलावा अभी दूसरा, अगर 2 रहा इसमें, अगर 2 रहा, मैं ये भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या देना है इसका, अगर 2 रहा तो ये कैसे देंगे, आपको कैसे यूज करना है, एनजी स्विच केस, ये सारे है ना एक ही आपका स्विच रहेगा ये वाला, और उसके अंदर के सारे स्विच केस रहेंगे, जैसे कि नॉर्मली जावा या जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में हमने स्विच केस पढ़ा है, उसी की तरह है। अभी बताए यहाँ पे क्या लू, क्या नंबर लेना चाहिए मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेना चाहिए, और यहाँ पे क्या लेना चाहिए, 4, बाकी क्या आप लोग करोगे। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सी मैंने 3 डाला था, आउटपुट में क्या दिखना चाहिए आपके हिसाब से, ये Wednesday. ये ना मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में ये डिस्प्ले कर देता हूँ, है ना, अरे यार इसमें ऐप में तो बहुत सारा मैंने कोड किया था, जाने दो हटा देते हैं, कोई सीख के तो हो गया अभी, तो इसे रन कर ले एनजी, देखते हैं आपके हिसाब से क्या आता है और क्या आएगा। क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है एनजी स्विच, यहाँ पे आपको स्विच लेना है और ये बाहर, ये क्या आया स्विच डायरेक्टिव, इसने क्या प्रिंट किया, देखिए अभी व्हाट हैपेंड, क्या आना चाहिए था क्या नहीं आया है, लेट मी नो, इसे कैसे लिखना था, क्या हमें इसे इस तरह से लिखना है, ng स्विच इस तरह से, और इसे हमें डे ऐसे लिखना है, चेक करो,
जी हाँ, हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बाइंड की है, ये देखो एरे ब्रैकेट से प्रॉपर्टी बाइंड का। अगर यहाँ पे TS फाइल में फाइल दे देते तो क्या आना चाहिए? राइट। अभी आप लोगों को होमवर्क क्या है पता है? आप लोगों का होमवर्क है कि यहाँ पे मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे कि मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ वन, है ना, ऑप्शन दे रहा हूँ वन, ऑप्शन दे रहा हूँ टू। अगर मैंने ये ऑप्शन यहां से अगर मैंने टू सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या दिखाई देना चाहिए आपको? ट्यूजडे। यस। तो अभी आप क्या, आपको ये मैं करके दिखाऊं और दूसरा दे दूं या आप खुद करना चाहोगे? सर हम लोग ट्राई करेंगे ना। नहीं अश्विनी, तुझा नहीं, अदिति, अलका, श्रीकांत, सिमरन, शीतल, सागर, सर वोटिंग होऊ द्या, चैट वर टाका, करून दाखवायचं असेल तर शो मी करा आणि स्वतः करत असेल तर सेल्फ लिहा। 22 जण आहात, 21 जण आहात, मला 21 मेसेज आले पाहिजे, सेल्फ किंवा शो मी असं टाईप करा। 6 रिस्पॉन्स आहेत, 7, 8, बरोबर, शाबाश, शो 1 2, शो मी, ओके, बऱ्याच जणांचं शो मी आहे। तर मला विचार करून सांगा की मला काय करावं लागेल, हा जो डे आहे या डेला इथे जे काही ऑप्शन आहेत ते मला बाइंड करावे लागतील, बरोबर ना? काय म्हणता, हे जो डे व्हेरिएबल आहे याला हा जो आहे हा बाइंड करावा लागेल। तर तुम्हाला एखादा व्हेरिएबल बाइंड करायचा असेल, तर काय करता तुम्ही सांगा मला। तुम्ही दोन ऑप्शन वापरता, एक असा काहीतरी म्हणता त्याला, मला नाही माहिती, आठवत नाहीये, काय म्हणता त्याला, बनाना ब्रेक आणि इथे इक्वल टू असं काही टाकतात का, काही लिहितात का, असं काही लिहित असतात असं, फंक्शन। म्हणजे फंक्शन किंवा व्हेरिएबल? अरे काय एरर देतोय असा, इट कांट बाइंड टू एनजी मॉडेल सेन्स इट इज अ इजंट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्ट। अरे देवा, आता काय करू हा एरर घालवण्यासाठी? मी फंक्शन बरोबर बोललात पण काहीतरी ऐकू नाही आलं। फॉर्म्स मॉडेल इथे यायचं आणि इथे आल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं, फॉर्म्स मॉड्यूल जे आहे ते सेव्ह करा। ओके, काय गेला एरर? अरे वा, काय माहिती, अरे पण याला, हो याला तो सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर तो इव्हेंट जो आहे ना तो रिफ्रेश नाही होत आहे, बघा इथे तो इव्हेंट आहे ना रिफ्रेश होत नाही, म्हणजे बाबा सिलेक्टर होतोय तो, जर मी डेटा दाखवेन ना तुम्हाला इथे, इथे डेटा दाखवतोय डे, चेक करूया इथे की तो तसा दिसतो का, 1 2, अरे आला, अरे पण 1 2 चा आला का, बाकीचं कुठे गेलं? अरे टू शो केले ना सर त्याच्यामुळे। देवा, असं का? मी याला कॉपी पेस्ट करून करू का आता? 3, अरे 3, 4,
ही वैल्यू ना ही वैल्यू ऍक्च्युअली कामाचे असते. इथे काय दिसते हे महत्त्वाचं नसतं. हे जे असतं ना हे युजरला दिसत असतं आणि ही जी व्हॅल्यू असते ना ही ऍक्च्युअली बॅकएंडला जात असते. वन बघा असं. तर इथे मी देतो फोर. अजून एक राहिलं ना, तुम्ही करू शकता आता हे. ओ यस का नाही? काय केलंय मी? काय मोठी गोष्ट केली मला तुम्ही सांगा. जे शिकलं तेच केलं ना? पाच सहा दोन चार. सहाला काय होत काय माहिती? सहाला काहीच नाही ना स्विच मध्ये. पाचच आहेत सर, सहा नाही. तर डिफॉल्ट साठी पण काही आहे आपल्याकडे, म्हणजे जर का मॅच नाही झालं तर नॉट अ वीक डे असं काहीतरी टाकून देऊ. आणि इथे काय लिहावं लागतं? स्टार एन जी डिफॉल्ट काही आहे का? स्विच डिफॉल्ट वगैरे असं व्हॉट एव्हर. आणि जे काही तुम्हाला डिफॉल्टला टाकायचं ते टाकून द्या. जर का काही गडबडी चाललं तर तो नॉट अ वीक डे असं लागतं. मॅच नाही झालं तर. तर आता तुमच्यासाठी मी असाइनमेंट अशी देतोय, तुम्ही एन जी क्लास आणि एन जी म्हणजे जो ऍट्रिब्यूट वाला पार्ट आहे हा, हा एन जी स्टाईल आणि एन जी क्लास हे तुम्ही शोधा, शोधायचं याचा वापर करायचा. आणि इथे जी लिस्ट आहे, इथे जर रेड लिहिलं मी, म्हणजे मी इथे रेड लिहिणार असं, हे बघा असं असं इथे मी इथे रेड लिहिणार. ठीक आहे, रेड असं मला इथे रेड यांना. जर मी इथे रेड जर सिलेक्ट केलं ना तर इथे नाव येणार रेड आणि बॅकग्राऊंड कलर त्याचा रेड असला पाहिजे. जर इथे मी ब्ल्यू लिहिलं तर इथे लिहिलेलं ब्ल्यू पण येणार आणि त्याचा बॅकग्राऊंड कलर ब्लू झाला पाहिजे. तर आता तुम्ही काय लॉजिक लावू शकता ते लावा आणि उद्या दुपारपर्यंत मला हे सॉल्व्ह करून दाखवा. इथे लिस्ट तर कळाला असेल ना की रेड ब्ल्यू ग्रीन येलो मॅगेंटा व्हाईट ब्लॅक जे काही नावं घ्यायचे आहेत ते घ्या. आणि इथे जे सिलेक्ट केलं असेल त्याचा आणि एनजी स्टाईल खूप सोपं आहे. काय काय करावं लागतं एनजी स्टाईल साठी? तर बघा आता काय करावं लागतं तेही दाखवून देतो मी तुम्हाला. एक सिंपलच एक्झाम्पल दाखवून देऊ. एक कुठलाही डिव घ्यायचा आणि याला ही आहे ऍट्रिब्यूट बाइंड. बघा परत एकदा सांगतो, हे ऍट्रिब्यूट बाइंड आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला मी इथे एनजी आणि जे काही तुम्ही घ्याल असं समजा एनजी स्टाईल किंवा क्लास एनजी स्टाईल घेतला. ठीक आहे, मी इथे लिहितो वेलकम टू रन असं लिहिलं मी इथे. आणि दिसत आहे ना स्क्रीन सगळ्यांना? ठीक आहे, इथे मी लिहिलं सिंगल कोट मध्ये. बघा इथे लिहितो कलर कोलन रेड लिहिला मी उदाहरणार्थ. तर काय लिहिलं? वेलकम टू रन. वेलकम टू रन याला यायला पाहिजे होता कलर रेड. बॅकग्राऊंड कलर घेऊया सिंगल कोट मध्ये, ते यायलाच पाहिजेत कलर. किंवा मी असंही लिहू शकतो कलर, नुसतं असं लिहा कलर, लिहिला कलर आणि 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 कलर काय लिहायचं इथे? काय लिहू इथे? कलर कोलन रेड होतोय का? बघा काहीतरी गडबड आहे, थांबा दोन मिनिट. समथिंग रॉंग. एवढंच आहे, जास्त काही असं लांब नाहीये. तुम्हाला एवढंच घ्यायचं आहे की कलर जो आहे तो काय घ्यायचा आहे ते. ओ ओ माझी चुकी आहे, सॉरी.
टीएस मध्ये हा जो आहे कलर कोलन रेड अजूनही एक दोन गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला करायच्या बाकी आहेत पण जास्त काही करायची गरज नसते पडत नाही अजूनही एक काम करू नवीन कंपोनंट बनवूया नाही एकच मी शेअर करतो स्क्रीन तुम्हाला नवीन कंपोनंट बनवूया ठीक आहे डोंट वरी नवीन कंपोनंट बनवून देतो तुम्हाला मी नो वरीज नवीन कंपोनंट बनवून त्याच्यात देतो याच्यात खिचडी नको करायला स्क्रीन दिसत आहे ना हा सर मी नवीन कंपोनंट बनवतो बघा आपलं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव झालं मी आता एन जी जी सी आणि कुठलं करायचंय आपल्याला आता ऍट्रिब्यूट ना ऍट्रिब्यूट ऍट्रिब्यूट डायरेक्टिव डायरेक्टिव हा सिंटॅक्स जो आहे तो बघूया काय आहे त्याचा झालं जनरेट आता त्याला दाखवूया आपण कुठे आहे तो ऍट्रिब्यूट डायरेक्टिव लेट्स सी नो वरीज ऍप डॉट कंपोनंट आणि हा वाला जो आहे राहुल आप देख रहे हो बताओ क्या गड़बड़ है इसमें आवाज नहीं आ रहा यार दोस्त आपका अभी ये नहीं करना अपने को ठीक है इसे बंद कर देते सबको हाँ बताओ अभी कोई मैं यहाँ पे डिव बना देता हूँ वाओ नाइस टू define attribute directive ऐसे तो इसे रन भी कर देते हैं एक बार ताकि रन करने के बाद ng serve और o पूरा लिख देते हैं कोई बात नहीं क्या लिखने का यहाँ पे हमें कौन सा डायरेक्टिव हम लोग कर रहे हैं एनजी स्टाइल ना एनजी स्टाइल ये देखो ये एट्रीब्यूट है तो हमेशा ब्रैकेट में आएगा और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक चीज हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट कर रहे थे हम बेसिक कंसेप्ट के साथ जाते हैं तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें सबसे पहले जैसे कि हम लोग लेते हैं वैसे करेक्ट ऐसे लेना है और फिर आपको जो भी प्रॉपर्टी है वो सिंगल कोट के अंदर लेंगे कलर कोलन और रेड इस तरह से तो ये हो चुका आपका पहला बेसिक कंसेप्ट यहां तक आपको समझ में आया इसका ठीक है इसमें अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट देखेंगे इसका कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ओके रन कर दिया है यहाँ पे इसे देखिए दिख रहा है अभी यहाँ पे हो गया कलर इसका रेड अब इसके अंदर हम लोग अगर बैकग्राउंड भी अगर हम ऐड करेंगे तो आप इसको इस तरह से सेमी कॉलन और आपको अगर नेक्स्ट वाला भी ऐड करना है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं जैसे कि बैकग्राउंड अलग तरीके से इसको आगे भी करेंगे हम लोग इससे ये एक पहला तरीका है जो आपको स्टाइल पूरी तरह से
इस्तेमाल करना है। अभी इसको कॉमा देके या सेमी कॉलन देके नेक्स्ट वाला भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन इतनी सारी चीजें इसके अंदर लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी कि कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कंपलसरी इसके साथ हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ और चीज। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं इसके साथ। हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि कौन सा कंडीशन लगाना है, या जो भी, अगर आपको ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग तरीके के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे इसको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर, इसको हटा देंगे, हट गया। वेरिएबल आपका कहाँ पे है, एक वेरिएबल लेना है आपको, लेट्स सी, कलर कोलन रेड, इसको कर देंगे। इसके अंदर लिखेंगे क्या नाम है मेरे प्रॉपर्टी का, बोलिए क्या नाम है प्रॉपर्टी का, आप बोलेंगे नहीं तो समझेगा नहीं। और ये तो रन ही होगा, इसका कलर क्या गया, कलर आना चाहिए इसका रेड, कलर इसका रेड, यहाँ पे कॉमन ही दिया। देने की बात नहीं है दोस्त, ये डायरेक्टली लेना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे रेड दिया है, ओ सॉरी, ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ऐसे इसको लिखते हैं, मैंने गलत किया था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना था मुझे, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, रेड आया। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू किया तो कौन सा आएगा, अगर मैंने यहाँ पे ग्रीन किया तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आप लोग लोगे सिलेक्ट और कौन से ऑप्शन देने हैं आपको, ऑप्शन लेट्स सी, रेड रेड, कॉपी, ब्लू ब्लू, ठीक है, ये वाला है। तो ये जो वेरिएबल है, कलर कौन सा वेरिएबल चेंज कर रहा है, ये नाम का चेंज कर रहा है। तो आपको जो बाइंड है क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बोलिए लिखिए, क्या क्या लिखूँ यहाँ पे कोड, अभी मैं सिलेक्ट में क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर ये वैल्यू ये वेरिएबल के साथ बाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ता है, बनाना ब्रैकेट एनजी मोडो एनजी मॉडल इक्वल्स टू कलर, इक्वल्स टू जो भी है वो है कलर। तो क्या इससे मेरा काम होगा, और ये मैं एनजी मॉडल का स्पेलिंग गलत है, ये इसके नीचे मैं दिखा भी दे देता हूँ आपको, कलर कौन सा चूज किया था वो कलर, इसको करते हैं सेव। तो क्या आप ये काम करेगा, रेड रेड हुआ, ब्लू ब्लू हुआ, हो रहा है। सर हाँ तो क्या आप लोग बाकी का काम करोगे इसका इस्तेमाल करके, ठीक सर है। तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको।